मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में आज हम पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब होता है काम की तकसीम, कि आपने अपने कामों को लोगों में बांट देना है, कि अपने नीचे के लोगों को आपने ट्रेन किया और अपने कामों को उनमें डिवाइड कर दिया, आप बाकी कामों को देखने के लिए फ्री हो गए। इसको कहा जाता है डिवीज़न ऑफ वर्क। नेक्स्ट है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है इख्तियारात, अथॉरिटीज़, इख्तियारात या इख्तियार, कि आपने एक पर्सन को कोई अथॉरिटी दी काम करने के लिए, अथॉरिटी दी, लेकिन आपने उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी कि वो ये काम करे, रिस्पॉन्सिबल होके, तो अथॉरिटी आपकी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपस में क्लोज लिंक है, कि जब आप किसी को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो आप साथ उसके अथॉरिटी भी उसको दें, तभी वो आपका काम अच्छे से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपना स्टूडेंट किसी को दिया कि इसका ए ग्रेड आना चाहिए, या आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, साथ ही आपने उसको ये अथॉरिटी नहीं दी कि अगर वो स्टूडेंट ना पढ़े तो आप उस पर सख्ती कर सकते हैं, तब भी आपका रिज़ल्ट वहाँ नहीं आपको मिलेगा। अगर आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी दे दी कि अगर स्टूडेंट ना पढ़े तो आप उस पर स्ट्रिक्टनेस कर सकते हैं, तब जाके आपका काम वो पूरा अच्छे से होगा। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों का आपस में क्लोज लिंक होता है। जब भी ये दोनों साथ होती हैं तो आपका काम अच्छे से होता है। नंबर 3, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स डिसिप्लिन होने चाहिए, यानी हर एक में एक डिसिप्लिन शो होना चाहिए, यानी अपने उनकी एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन की यही पहचान होती है कि उनके वर्कर्स में डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी हर काम को सही तरीके से करें, एक असूल पसंद होना चाहिए, प्रॉपर काम करें। नंबर 4, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि आपको हमेशा ऑर्डर एक ही मैनेजर पर्सन से मिलना चाहिए, यानी हर एक कंपनी के अंदर एक ही मैनेजर हो, तब वो आपका काम अच्छे से होगा। अगर किसी कंपनी के अंदर दो मैनेजर्स आ गए तो काम किसी का भी पूरा नहीं होगा। तो हमेशा जब भी एक कंपनी के अंदर एक से ज़्यादा मैनेजर्स होंगे तो कोई काम आपका प्रॉपर नहीं होता, हमेशा आपको कमांड्स या ऑर्डर सिर्फ एक ही मैनेजर से मिलना ज़रूरी है। नंबर 5, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स कि सबको ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव देखते हुए सब वर्कर्स को उसी डायरेक्शन में काम करने। नंबर 6, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन से फ़ायदा हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा देना शुरू कर दें। जब किसी भी कंपनी को फ़ायदा होता है तो ऑटोमेटिक वर्कर्स को भी फ़ायदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ज़्यादा वर्क करेंगे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए, प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो कंपनी को बेनिफिट होगा, जब कंपनी को फ़ायदा होगा कंपनी आगे जाएगी, तो वर्कर्स की को भी बोनसेस मिलेंगी, उनकी सैलरीज इंक्रीज़ होंगी तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो अगर आप अपना फ़ायदा चाहते हैं तो आप कंपनी को फ़ायदा देंगे तो कंपनी आपको भी फ़ायदा देगी। नंबर 7, रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, मुआवजा, कि जितना वर्कर आपका क्वालिफाइड होगा, जितना एक्सपीरियंस होगा, जितना उसके पास नॉलेज होगी, उसके हिसाब से आपको उसकी सैलरीज वगैरह पे करनी है, उनके मुआवजे, उनको उनकी एक्सपर्टीज़, उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिटीज़, उनकी स्किल्स के लिहाज से आपने उनको अपना मुआवजा देना है। It's caught in the crossfire.